911 बेसिकली है क्या? क्या ये मुमकिन होने जा रहा है कि वो सिर्फ 911 मिलाएगा और तमाम एमरजेंसीज इंटीग्रेटेड एक ही नंबर पे मिलेंगी? रोल ऑफ पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी इन एस्टैब्लिशिंग 911 कैसे देखते हैं सर? मैंने अभी आपकी फैसिलिटी देखी, इट्स वेरी इंप्रेसिव। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर बख्त और आप देख रहे हैं PSEA TV। नाज़रीन, जब आप बिरूने मुल्क जाते हैं तो अगर वहां पे आपको कोई भी इमरजेंसी हो, पुलिस की हेल्प चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी हो, तो वहां पे सिर्फ एक नंबर होता है, आप अपने मोबाइल से 911 मिलाते हैं और आपकी मदद कर दी जाती है। ऐसे ही अब कुछ पाकिस्तान में होना जा रहा है, एक ऐसी इमरजेंसी हेल्पलाइन बनाई जा रही है पाकिस्तान में जो होगी 911। ये इमरजेंसी हेल्पलाइन कब बनेगी, कौन कौन से सूबों में चलेगी, कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड सैयद हुसैन काजमी साहब। आइए उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, स्टूडेंट ऑनर फॉर अस टू हैव यू हियर कि आप पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में स्पेशली आए। सर, बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस एन ऑनर। सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का ये जो विजन है, जो वो अनाउंसमेंट हो रही है कि 911 एक एमरजेंसी हेल्पलाइन, सर आम जो सारिफ है, का एंड यूज़र है, जो देखने वाला है, उसे बताइएगा कि 911 बेसिकली है क्या? सबसे पहली बात ये कि ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि नेशनल लेवल के ऊपर आपकी एक एमरजेंसी लाइन होगी, जो एक सिटीज़न है उसको मल्टीपल जो एमरजेंसी लाइन्स है, नंबर्स हैं, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 15 है, 1122 है, 130 है, उसके अलावा और भी बहुत सारी एमरजेंसी हेल्पलाइंस हैं। तो जब ये नेशनल लेवल के ऊपर, आई बिलीव ये 200+ हैं जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शायद 200 के करीब, मेरा ख्याल है, दिस इज़ व्हाट आई नो। तो जब आप इसको सबको कंसोलिडेट करके एक जगह पे लेके आते हैं तो आप ये देखें कि एक आम सिटीज़न के लिए कितना कन्वीनियंट है। प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव के बाद जो मुख्तलिफ़ अदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी है, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो मेरा इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंडर जो हम काम करें, मिनिस्ट्री ऑफ IT है, और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, PTA है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, बाकी जो इदारे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उन सब का ये एक कोलैबोरेटिव काम जो है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही बड़ी एक खुशाइन बात है। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की बात करें तो सर, ऑलरेडी लाहौर में इट्स अ बीइंग अ पायलट प्रोजेक्ट, ऑलरेडी जो 1122 जितनी एमरजेंसीज हैं वो यहाँ पे इंटीग्रेटेड हैं 15 के साथ। सर, रोल ऑफ पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी इन एस्टैब्लिशिंग 911 कैसे देखते हैं सर? आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा। अगर आप लोगों ने ये इनिशिएट किया है, आप उसकी बैकबोन बनने जा रहे हैं और आपके साथ बहुत सारे बाकी इदारे जो है वो कोलैबोरेट करना जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में जो मैंने अभी आपकी फैसिलिटी देखी, इट्स वेरी इम्प्रेसिव और किसी भी कोई इंटरनेशनल फैसिलिटी से कम नहीं है। और मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरा ख्याल है कि हमारी ये जो फैसिलिटी है, ये बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं उनमें से वी आर वन स्टेप अहेड विद दिस फैसिलिटी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और आपका ये जो पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे करना, इवन के सेफ सिटी अथॉरिटी जो है, मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब में इतनी सक्सेसफुल इसको आप रन कर रहे हैं तो ये बाकी प्रोविंसेस में या डिस्ट्रिक्ट्स में या जहाँ पे भी, जिस लेवल पे भी, इसको रेप्लिकेट करना चाहिए। सो दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी, व्हाई नॉट टू रेप्लिकेट, दिस इज़ वन थिंग। और आप बाकी कंट्रीज़ में भी देखें, आप जहाँ पे भी ग्लोबली देखा जाता है, वो एक जगह पे उसको पायलट करते हैं, उसके बाद पूरे अपने नेशनल लेवल के ऊपर उसको रेप्लिकेट कर देते हैं। तो हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। किन किन एक्सपेक्ट्स पे पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी फॉर एस्टैब्लिशिंग 911 आपको सपोर्ट करेगी? आपका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैसिव किस्म का, आप इसको सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी करनी है, और उसके लिए ऑलरेडी आई हैव जस्ट केम टू नो, विजिटेड द फैसिलिटी, मेट विद योर पीपल, आपकी टीम्स के साथ मिला हूँ, तो वो ऑलरेडी बड़ा सक्सेसफुल और सही राइट ट्रैक के ऊपर काम कर रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशंस है और जो मेरा ख्याल है कि हार्डवेयर की शायद इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। सो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे ये सिंपल एक ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए एफर्ट्स को कोलैबोरेशन के साथ एक बहुत बड़ा टारगेट जो है वो अचीव हो सकता है। तो मेरे ख्याल में तो मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन है वो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ही होगा, और ऑलरेडी क्योंकि आपकी टीम्स इन प्लेस हैं
आपकी टेक्निकल टीम्स हैं, आपकी मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन सिस्टम इतना सक्सेसफुल चल रहा है, तो मेरा ख्याल है उसी को यूज़ करना इज़ अ बेटर ऑप्शन एट दिस मोमेंट। एक एंड यूज़र जो हमारा इस प्रोग्राम को देख रहा है उसकी आसानी के लिए बताएगा कि कोई भी एमरजेंसी होगी, वो पंजाब में हो, वो सिंध में हो, वो बलोचिस्तान में हो, वो किसी भी पाकिस्तान के पार्ट में हो, क्या ये मुमकिन होने जा रहा है कि वो सिर्फ 911 मिलाएगा और तमाम एमरजेंसीज इंटीग्रेटेड एक ही नंबर पे मिलेंगी? मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आपने 10, 20, 15 हेल्पलाइंस को याद करना है और डिस्पाइट द फैक्ट कि शायद आपके मोबाइल में सेफ भी हो, तो सिंपल आप 911 इंटरनेशनली बहुत सारे कंट्रीज़ में इफ़ेक्टिव है, यहाँ पे होगा और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो राइट आफ्टर दिस जब इसकी इनॉग्रेशन होती है या आप इसको लॉन्च करते हैं वो विद इन डेज विद इन आवर्स आपको नज़र आएंगे। और दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। देखें, नेशनल लेवल के ऊपर आपको एक डाटा भी मिलेगा, उस डाटा को सामने रखते हुए फ्यूचर में किन किन पॉलिसीज के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि क्राइम रेट कहाँ पे ज़्यादा है, आप ये देख सकते हैं कि लोगों के किस तरह के मिसाइल किस एरियाज़ में, मैं आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द एमरजेंसी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा ख्याल है उससे वो डाटा को आप डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो सेंट्रलाइज जगह के ऊपर जब आपकी कॉल्स डिफरेंट लेवल पर टर्मिनेट होगी, एक जगह से अगर वो आप समझते हैं कि ये पुलिस से रिलेटेड है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट को चली जाएगी, exactly. वो रेस्क्यू से रिलेटेड है तो वो रेस्क्यू चले जाएगी। सो मैं समझता हूँ कि दिस विल बी वो जिसको बोलते हैं कि दिस विल बी अगेन गेम चेंजर सिचुएशन होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस। जिस तरह सईद हुसैन काजमी साहब ने बताया कि बहुत जल्द पाकिस्तान में सिर्फ एक एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होगा, किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में आपको पुलिस की मदद चाहिए, आपको एम्बुलेंस चाहिए, आपको सिर्फ करना ही होगा, आपको करना होगा 911 पे कॉल और आपको मदद मिल जाएगी। इसी के साथ मुझे उमर बख्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।